भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ सभी वर्ग को देश की राजनीति में सम्मान देने का काम कर रही है। यह बातें भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने शुक्रवार को सिमरी में बिहार प्रवासी कार्यक्रम सह सदस्यता अभियान के समापन समारोह में कही। उन्होंने कहा 30 व 31 जुलाई को पटना में भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति सम्मेलन में भाग लेने का आह्वान किया। भाजपा राष्ट्र की रक्षा को लेकर सजग होने के साथ युवाओं के बीच जागरूकता लाने का काम कर रही है। विगत लोकसभा व विधानसभा चुनाव में आप सभी के प्रयास से ऐतिहासिक जीत हासिल की। पुनः सत्ता में वापस लाने को लेकर बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाकर संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करें। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य थल्ला वेंकटेश यादव ने कहा भारतीय जनता पार्टी की बिहार में पूर्ण बहुमत में सरकार बने इस सफल प्रयास को लेकर सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। राष्ट्र विरोधी ताकत को कमजोर करने के लिए भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाला लोगों को सजग रहना होगा। हिमाचल प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी चौधरी ने कहा पटना में 2 दिवसीय कार्यक्रम में गांव-गांव से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर आपके बीच आमंत्रित करने आया हूं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुमार साह शिवा ने कहा अति पिछड़ा को सम्मान देकर भाजपा ने सत्ता में भागीदारी दी है। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के नीति सिद्धांत को जनता की आवाज बनाने में युवा वर्ग की अहम भूमिका है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णुदेव दास व संचालन विधायक प्रतिनिधि अजीत झा ने की। कार्यक्रम प्रभारी सचिन जैन, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल कलाम, पूर्व मुखिया बिमलेश सिंह, नरेश मंडल, चितरंजन मंडल, मनोज महतो, दीपक महतो, शंकर महतो, सरपंच ललित यादव ने आगत अतिथियों को पाक चादर व पुष्प से सम्मानित किया। इस दौरान वासुदेव मिश्र उच्च विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर 2 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। मौके पर मुखिया दिनेश महतो, सरपंच अशोक पासवान, पंचायत समिति गुड्डू यादव, दिलीप यादव, विनोद चौधरी, राजेंद्र चौपाल मौजूद थे। वहीं इस मौके पर अमित कुमार राम, ललित यादव, पवन मंडल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सदस्यता का कार्यक्रम था। नए लोग जो सदस्य बनना चाहते हैं उसके लिए उस संबंधित हम लोग यहाँ बैठे हुए थे और इस प्रदेश से बाहर के भी लोग हमारे अतिथि लोग आए हुए हैं। बिहार राज्य में राष्ट्रीय कार्य समिति की मोर्चाओं सभी मोर्चाओं के कार्य समिति होने जा रही है। इस हेतु ये लोग दूसरे प्रदेशों से आंध्र से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं। दोनों अतिथियों को भी हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया है और नए जो सदस्य यहाँ जो इस पार्टी में जुड़ना चाहते हैं उन सबों को माला एवं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है, माला पहना के उनको सम्मान किया गया है।